इस वक्त मिशन 24 को फतेह करने के लिए छोटी बड़ी हर पार्टी ग्राउंड जीरो पर है। रैलियों जनसभाओं का दौर जारी है, पर इसी बीच कुछ रैलियां कुछ जनसभाएं चर्चा का विषय बन गई। यूपी राष्ट्रीय राजनीति का गढ़ माना जाता है और यहां से उदय हुई तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर अपनी राजनीति को मुखर आवाज देती हैं। ऐसी ही यूपी से निकली एक बहुजन समाज पार्टी है जिसकी राजनीति का आधार दलित वर्ग है। दलित समुदाय की राजनीति को मुखर करके इस पार्टी की मुखिया मायावती एक समय में यूपी की कुर्सी पर विराजमान भी हुई हैं। लेकिन 2014 में जब केंद्र के किले को बीजेपी ने फतेह किया और अपने सबसे तेज तर्रार नेता नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, तब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अभी उनका दूसरा कार्यकाल है, तीसरी बार भी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त 2014 में भी हिंदुत्व की राजनीति को पूरी मुखरता के साथ अमली जमा पहनाने वाली सत्तासीन बीजेपी ने ये पूरे देश को संदेश दिया था कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और उसके बाद हिंदू हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बीजेपी का ये संदेश देश की सनातनी जनता में घर कर गया, जिसके बाद निचली जाति के लोगों में एक गौरव भाव जागृत हुआ कि वो हिंदू पहले हैं, दलित या कोई निचली जाति बाद में। इस भाव ने जाति की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों पर तीखा प्रहार किया, जिससे वो लगभग टूट गई और देखते ही देखते देश में जाति की राजनीति ना के बराबर रह गई। यही वो कारण है कि जिस वजह से आज मायावती या बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटी बहुत कम नजर आती है। बीते 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी आम चुनाव की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से ही हर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की रैलियों का और जनसभाओं का जबरदस्त दौर जारी है। पर इसी शोरगुल के बीच एक पार्टी कहीं गुम सी नजर आ रही थी, लेकिन अभी तक एक भी जनसभा या रैली नहीं की है। हाँ, लेकिन अब मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने अपनी पहली चुनावी रैली की है, इसलिए वो गंभीर चर्चा का विषय बन गई। बीते संडे को गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती के बारे में आकाश आनंद ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। इसके अलावा बीते शनिवार को नगीना में एक चुनावी रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना कहा कि वो दलित युवकों को गुमराह करके उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद खुद दलितों की राजनीति करने वाले एक मुखर नेता हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भी आकाश आनंद ने आड़े हाथों लिया। ये दिखाता है कि मायावती ने पूरी तरह से अपनी पार्टी बीएसपी की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों में सौंप रखी है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती को पर्दे के पीछे रखकर बीएसपी को नई धार दे पाएंगे, या मायावती को राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही इसलिए पार्टी की कमान अपने भतीजे के हाथों में सौंपी है। जो भी, लेकिन मायावती का अपना एक बड़ा राजनीतिक करियर है, दलितों की राजनीति के लिए उनका अपना एक लंबा संघर्ष है। लेकिन इस बार जब ग्राउंड जीरो पर आकाश आनंद हैं, तो क्या वो बीएसपी और मायावती के वजूद को कायम रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।